नमस्कार जी, आप सभी लोगों का कुक की दूसरा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए शाही पोटली चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने जो सामग्री ली है वो ये है। ये बॉइल्ड आलू हूँ, और ये एक कटोरी मैदा है, और ये रवा है, ये पनीर है, ये मटर है, और ये हरा धनिया है कटा हुआ। और इसके लिए जो मैंने थोड़े बहुत मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स है, वो ये है। ये नमक है, ये हींग है, ये जीरा है, और ये खाने वाला सोडा है, ये किशमिश है, ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये चाट मसाला है, और ये काजू हैं, और ये अजवाइन है, और ये सफ़ेद तिल, और ये राई है। सबसे पहले हम इस मैदे को माड़ के 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। ये देखिए, ये मैदा मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको माड़ूंगी। इसमें एक कटोरी मैदा में 2 चम्मच रवा और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा और थोड़ी सी अजवाइन। और इसमें थोड़ा सा मोइन डालेंगे। और इस मोइन को हम अच्छी तरह पहले मैदा में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गई है। और इसको जब हम ऐसे करते हैं तो ये इसकी पिंडी बन जाती है, और इससे ये लगता है कि मोइन इसमें ठीक मात्रा में पड़ा है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको माड़ेंगे। इसका मैदा बिल्कुल पूड़ी की तरह मड़ता है। ये देखिए, अब हमारी मैदा मड़ गई है, और अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब मैं पोटली चाट की स्टफिंग तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी। और जब ये रिफाइंड अच्छे से हो जाएगा तब हम इसमें जीरा, राई, हींग, चाट मसाला डाल। अब रिफाइंड हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ी सी राई डालूंगी, और ये थोड़ी सी हींग डालेंगे, और ये सफेद 1 चम्मच सफेद तिल थोड़ा सा। और जब ये सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी फिर हम इसमें मटर डालेंगे। अभी ये भुन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने में, तिल भी कच्चे थे इसलिए भुन रहे हैं। और ये भुन रहे हैं, अब इसके भुनने की आवाज आने लगी है, और अब मैं इसमें मटर डालूंगी। मटर फ्राई हो गई है, और अब हम इसमें ये पनीर डालेंगे, और थोड़ा सा इस पनीर को भुनेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और ये कटी हुई हरी मिर्च,
और ये अब भुन रहा है। और अब इसमें हम ये बॉइल्ड आलू डालेंगे। और इसको हम अब थोड़ी देर भूनेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं, ये काजू है। और ये थोड़ी सी किशमिश। इसको करीब हम 4-5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई है। आलू, पनीर, मटर ये सब भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और इसको अब हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने मैदे की पूरी बना ली है और स्टफिंग की ये बॉल बना के रख ली है। और अब हम इसकी पोटली बनाएंगे। ये मैंने पूरी ली है। अब इसके अंदर हम ये एक स्टफिंग यूं रखेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करेंगे यूं करके, और ये गठरी पोटली की तरह ये बन जाएगा। ये देखिए बन गई। इसी तरह मैंने फिर दूसरी पूड़ी ली है, इसको भी चारों तरफ से यूं कवर करके ये देखिए गठरी की तरह बन गई है, पोटली की तरह। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखिए फाइंड हो गया है। और अब हम इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसी तरह मैं इनको भी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बन गई है।
अब हम इसको मीठी खट्टी चटनी और दही के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ये डिश तैयार हो गई है। अब आप इसको खट्टी मीठी चटनी दही के साथ स्वाद लेके खा सकते हैं। और अब आप इसको बनाइए, खाइए और अपने परिवार में सबको खिलाइए। अब हम आपको अपनी अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।